चलिए हम रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली वालों ने दिल भर करके दिवाली मनाई है, लेकिन पटाखे भी देर रात इतने फोड़े कि दिल्ली का अब दम घुटने लगा है। ये देखिए, आपको हम 5 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की। आश्रम, राजपथ, आईटीओ, कनॉट प्लेस, साउथ दिल्ली, हर जगह तस्वीरें भले ही अलग अलग जगहों की है लेकिन लगभग एक सी ही तस्वीर आपको नजर आएगी, क्योंकि आसमान काले धुएं से भर चुका है और ये धुआं पोल्यूशन का है। ये धुआं इतना खतरनाक, इतना जहरीला है कि यहां सांस लेना मुश्किल है। दिल्ली वालों का दम अब तक घुट रहा है, पूरी रात और पूरा दिन गुजरने वाला है, लेकिन दिल्ली के आसमान पर अब भी जहरीले धुएं का गुबार छाया हुआ है। हालात यह है कि दिल्ली और एनसीआर में आज प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। शहर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब पहुंच गया है, जो गंभीर की श्रेणी को पार कर गया है। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ज्यादातर जगहों पर AQI का स्तर 999 है। हमारे कई संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सीधे आपको हम लिए चलते हैं शालीमार बाग, जहां से राम किंकर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और विजय चौक से, साथ ही साथ आईटीओ से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राम किंकर, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि हम हमारे तीन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और तस्वीरें लगभग वही है। देखिए, अभी 2:11 हो रहे हैं राम किंकर, लेकिन उसके बावजूद आसमान जो है हमें साफ नहीं दिख रहा है। श्वेता, बिल्कुल, और यही वजह है कि जैसे ही धुंध छाई तमाम एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आने लगी। जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनका कहना है जब धूप होगी या हवा तेज चलेगी उसके बाद से ये धूल कुछ छट सकती है, AQI सुधर सकता है, लेकिन इसके हालात ऐसे नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसी हवा चलने वाली है जिसकी दिशा जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगी, यानी ऐसी हवाएं पराली का जो धुआं है वह दिल्ली की तरफ ले आएंगी, यानी खतरा टला नहीं है, अभी भी बरकरार है। एक खास बात जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट यानी लंग विशेषज्ञ ने कहा है कि जब AQI 1000 के करीब होता है तब ऐसी स्थिति हैजार्डस कही जाती है, उसमें आपको सबसे पहले तो मास्क लगाना जरूरी है। ये मास्क मैंने सांकेतिक तौर पर निकाला है ये दिखाने के लिए त्योहार मनाने के वक्त लोग भूल गए हैं कि कोविड है, तो ये मास्क न केवल कोविड से बचाएगा बल्कि प्रदूषण से भी बचाएगा। और साथ ही साथ जैसे डेंगू में ज्यादा पानी पीते हैं, ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है, ये कहा गया है कि लोग घरों से बाहर न निकलें, खिड़की दरवाजे बंद करें, और साफ तौर पर कहा गया है कि एक्सरसाइज कम से कम करें। अस्थमा और बुजुर्गों को तो कहा गया है कि वह कम से कम जो आउटडोर एक्टिविटीज है उसे फिलहाल के लिए रोक दें, क्योंकि ऐसी स्थिति जो है वह बढ़ाती है कि सबसे पहले लंग में प्रभाव डालती है, बुरा प्रभाव होने से लंग कैंसर हो सकता है, उससे हार्ट डिजीज का खतरा होगा और उसके बाद से जो तमाम दुश्वारियां हैं वो शुरू होती है। यानी ये मास्क ही एक ऐसा बचाव है जो आप कर सकते हैं और खुद ये मास्क लगाना चाहिए। बिल्कुल, और जितनी जहरीली हवा हो गई है ऐसे में मिलन, विजय चौक की तस्वीरें जरा हमें वहां पर दिखाइए। हालांकि दीपावली का दूसरा दिन है, दीपावली की सुबह है, लेकिन उसके बावजूद जो है वहां पर हम देख रहे हैं कुछ लोग तो आ जा रहे हैं, लेकिन आसमान जो है वो जहरीली धुआं से वहां भी भरा हुआ है। इस बीच आपके पास आएंगे दिल्ली के मंत्री, इस बीच क्या कह रहे हैं सुनते। जो दिवाली के समय पोल्यूशन के लेवल को बढ़ाते हैं, आपने बैन लगाई थी सर, वो बैन एनफोर्स क्यों नहीं कर पाई थी? नहीं, दिल्ली सरकार देखिए वो नहीं करती है, इसलिए उसने जलवाए पटाखे, बीजेपी ने इसलिए पटाखे जलवाए कि ग्रीन पॉल्यूशन, ग्रीन पटाखे नहीं थे। गोपाल जी, एक दूसरा क्वेश्चन है, पेट्रोल और डीजल के दाम नेबरिंग स्टेट में काफी कम हो गया है, क्या लगता है इससे नुकसान होगा आपको सरकार को ही रेवेन्यू को लेके? कुछ फैसला आप लोग ले रहे हैं दिल्ली में भी दाम कम करने को लेके, कम करने के लिए? बहुत हमारा विनम्र रूप से सर, केंद्र सरकार का कहना है मिलन, हालांकि ये बात सही है कि दिल्ली सरकार कई बार अपील कर रही थी लेकिन उसके बावजूद हमें उस अपील का कोई असर होता हुआ नहीं दिखा, और नतीजा यही मैं आपको दिखाना चाह रही हूं। सामने मेरे पीछे आप देखेंगे राष्ट्रपति भवन है, जो इस वक्त भी दोपहर का वक्त हो चला है बट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि एक तरफ राष्ट्रपति भवन है और दूसरी तरफ इंडिया गेट है, जो भी इस वक्त बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर ये
नजारा है, पूरा जो आसमान है इस वक्त ग्रे कलर का हो चला है। इंडिया गेट भी आपको यहां से दिखाई नहीं दे रहा। इससे ये पता चलता है कि दोपहर के वक्त भी इतना ज्यादा प्रदूषण हवा में है कि विंड स्पीड कम होने की वजह से बिल्कुल भी हवा का जो डिस्पर्सल है नहीं हो पाया है। यही कारण है कि दिल्ली में इस वक्त हम जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। हालांकि इसमें जो दिवाली के पटाखे हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है डेफिनेटली, लेकिन विशेषज्ञों का ये भी कहना रहा कि इसमें जो पराली जलाने का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी ज्यादा है। सफर के मुताबिक जो 25% का कॉन्ट्रीब्यूशन था 9 नवंबर तक, वो 35% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है पराली जलाने का भी है, जो पंजाब और हरियाणा में इस वक्त भी हो रहा है। और दोनों को मिलाकर दिल्ली के जो लोग हैं रहने वाले उन्हीं को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि 6 नवंबर तक शायद हवा अगर तेज चलना शुरू हो तो थोड़ी निजात मिले, बट फिलहाल स्थिति यही दिखाई दे रही है। बिल्कुल चलेंगे अनीशा के पास जो कि आईटीओ में मौजूद है। अनीशा, ये जो इलाका है ये व्यस्तम इलाकों में से एक है, इसमें फिलहाल वहां पर क्या स्थिति? देखिए श्वेता, आईटीओ का नजारा हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं आईटीओ के ब्रिज के ऊपर हूँ। मेरे पीछे ये राजघाट की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है आप वो देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी का क्या हाल है। पीछे राजघाट की तरफ से ट्रैफिक आता हुआ देख लीजिए, या इस तरफ पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ देख लीजिए, या दूसरी तरफ दिल्ली सचिवालय की तरफ देख लीजिए। हर जगह दूर दूर तक आपको धुंधला ही नजर आएगा, और ये दिल्ली का हाल कल रात से कॉन्स्टेंटली चल रहा है। हम देख रहे हैं कि अगर AQI लेवल्स की आप डेटा देखें जो CPCB के वेबसाइट पर या AQIC और के वेबसाइट पर है, कल शाम 7 बजे के बाद से एकदम स्पाइक बढ़ी है। जो अभी हमारी कॉलीग मिलन भी बता रही थी कि पराली जलाने का तो धुआं आ ही रहा है, लेकिन कल शाम जो पटाखे चले हैं उसके भी धुएं से एकदम स्पाइक हुआ है पोल्यूशन लेवल ज्यादातर जगहों पर, ना केवल दिल्ली बट NCR में इस वक्त सिवियर या हजार्डस लेवल पर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है। यानी कि ये जो धुआं है, ये जो पार्टिकुलेट मैटर है वो हजार्डस लेवल पर है। तो लोगों को काफी ध्यान रखना होगा इस बात का कि मास्क पहने रहें, घर के अंदर रहें, बाहर क्योंकि पराली का धुआं, पटाखों का धुआं, ट्रैफिक का धुआं सब कुछ मिलकर आप देख सकते हैं कि दोपहर के 2:15 बज रहे हैं लेकिन धूप बिल्कुल नजर नहीं आ रही, आसमान पूरा ग्रे नजर आ रहा है। और ये जैसे अभी मैंने भी बताई थी सफर की तरफ से यही प्रेडिक्शन है कि कम से कम 7 तारीख की शाम तक ऐसा रहेगा। हवाएं अगर तेज चली तब हो सकता है कि धुआं थोड़ा हटे, लेकिन इस वक्त विंड की जो डायरेक्शन है उसको लेकर भी काफी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हो सकता है उसकी वजह से पराली का धुआं और आए। ऊपर से दिल्ली में पॉलिटिकल डिबेट इस बात पे शुरू हो गई है कि गोपाल राय जो है एनवायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने BJP को ब्लेम किया है कि उन्होंने पटाखे जलाने को एनकरेज किया, जबकि दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट, NGT सब कई दिनों से बैन लगे हुए थे। सभी तरफ से कहा जा रहा था कि दिल्ली शहर में कोई पटाखे नहीं चलाए जाएंगे, लेकिन कल भी हमने देखा कि रात को देर तक। बिल्कुल, इसमें लोगों की भी वैसे जिम्मेदारी बनती है, लोगों को खुद भी समझना चाहिए, क्योंकि सुबह से ऐसा नहीं है कि शाम होते ही इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। दिवाली की सुबह भी धुंध ही नजर आ रहा था आसमान में। ऐसे में लोगों को भी समझना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए।